सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। 125 साल का पलामू तरुण है, जिसे नेतृत्व करने के लिए कई युवा बाजू दमखम दिखाने को तैयार हैं, और तैयार है विजन और विकसित पलामू की रूपरेखा लेकर। अपने कर्म को प्रधान मान फर्श से अर्श पर बढ़ चले ऐसे ही युवा पलामू का एक चेहरा है आलोक तिवारी, जिनकी बेबाकी बिंदासपन के साथ सलीके का व्यक्तित्व भाजपाइयों की भीड़ में भी उन्हें सबसे अलग करती है। भले ही देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हैं, पर इनके जज्बात जुड़े हैं जन्मभूमि पलामू से। तभी तो इनकी चाहत है पलामू को स्मार्ट बनाना। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने पढ़ाई लिखाई मैं बाहर से चेन्नई से भी किया। मैंने इंजीनियरिंग किया, वहां से आने के बाद फिर मैं एक्चुअल मुझे नौकरी करने में मन लगता नहीं था। मैंने जॉब भी किया छोड़ा, मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया छोड़ करके हमने, फिर मैं बिजनेस की तरफ, क्योंकि मुझे शुरू से बिजनेस करने का मन था, तो मैं जीरो से अपने लाइन में मैं खड़ा किया। प्रधानमंत्री मोदी को प्रेरणा मान राष्ट्र के नाम सेवा समर्पण का भाव आलोक को राजनीति में ले आया, पर इनकी महत्वाकांक्षा पलामू को विकसित बनाने का है, न कि पलामू में सत्ता हथिया कर लूटने छलने का। तभी तो ये बेहतर नेतृत्व की बात बिंदास रूप से सत्ताधारी होने के बावजूद कैपिटल न्यूज से साझा करते हैं, क्योंकि पलामू जिले का विकास इनकी प्राथमिकता है। यहाँ न राज की बात है न ही कोई नीति है। और प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनने का बात ये, उस पर कोई ज़्यादा मेरे लिए अहम चीज़ नहीं है। बात यह है कि मैंने अपने जब समाज को, लोगों को देखते हुए, या पलामू के पूरे जनता जो यहाँ का, आप खुद भी देख रहे हैं क्या स्थिति है या राजनीति की क्या स्थिति है, तो ये स्पष्ट हमको जब समझने लगा, धीरे धीरे हमको जब समझ में आने लगा, तो मैं राजनीति की ओर हमने आने का मन बना लिया। तो मैं नरेंद्र मोदी जी के बहुत दिनों से, उनका जो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके काम से और उनके सिस्टम से, जो ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, उस चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो कहिए कि युद्ध एक आने का, तो हम उनके काम से और उनके सिस्टम से और उनके पूरे जो प्लान जो चल रहा है उनके, कैसे देश के लिए, कैसे राज्य के लिए, तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी संगठन से मैं जुड़ा। भाजपा के झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य के तौर पर संगठन को आलोक आधार मानते हैं। इनके लिए ना तो सरकार मायने रखती है ना ही सत्ता। सरकार की हर कार्यतालिका पर संगठन की निगाह रहती है, तभी तो सरकार विकास के एजेंडे पर तेजी से काम करती है, जिसका परिणाम झारखंड के रूप में दिख रहा है। हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, जो उन्होंने झारखंड के लिए पहल किया है या जो नया योजना उन्होंने लाने का विचार कर रहे हैं, ये कार्य समिति में इसकी चर्चा होती है, और जो हम लोग सफलपूर्वक काम कर लिए हैं विकास का हो, तो ये चीज़ों को कार्य समिति में, संगठन में इसको ला करके रखा जाता है कि इस चीज़ों को सही पूरे झारखंड के तमाम जनता के बीच में, अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विकास है उसको, उनको, और जो योजना है वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको इसकी लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरह से प्रदेश और जिला कार्य समिति को कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो वो प्रदेश से ही कार्य समिति होने के बाद तुरंत एक सप्ताह के अंदर में जिला कार्य समिति की बैठक में, मंडल अध्यक्ष की बैठक में बुलाया जाता है, सारे उसके लोग होते हैं कार्य समिति के लोग, जिला कार्य समिति के पदाधिकारी होते हैं, उसमें प्रदेश के लोग आते हैं जिसको डिप्यूट किया जाता है, जो प्रभारी बनते हैं, और वो योजना को गरीब से गरीब, गाँव से गाँव, एक एक मंडल से पंचायत तक लोगों को पहुँचाया जाता है। आलोक तिवारी की माने तो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ संगठन की मजबूती है अनुशासन। भाजपा में अनुशासन ही उसे और दलों से अलग, अनोखा व बेहतर बनाती है। तो अब आप हर जिले में देखिए गजब उत्साह बढ़ा है, पूरे देश में यूथ और लोग बीजेपी की सदस्यता क्यों ले रहे हैं, पार्टी में आने के लिए लोग लगे हुए हैं। क्यों भाई? क्योंकि एक ईमानदार पार्टी है,
एक साफ सुथरी पार्टी है, एक डिसिप्लिन पार्टी है। आपको एक तरीका से संगठन में रहना है और यहाँ कोई तरह की लोभ और लालच लेकर के आप मत आइए। संगठन में आइए और जनता के लिए, गरीब जनता के लिए सही, उसके लिए कैसे काम करना उस पर पहल करिए, काम करिए और संगठन में ताल से ताल मिला करके चलिए और अपने देश और राज्य और जिला के लिए भविष्य के लिए काम करिए। उसके लिए सोचिए यहाँ कौन MLA बनेगा, कौन MP बनेगा, कौन जिला अध्यक्ष बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, इसे कोई किसी को लेना देना नहीं। शिक्षित युवा वर्ग से आने वाले आलोक के दिल में भी विकास की परिकल्पना एकजुट होकर हर नागरिक के प्रयास से ही पूरा हो सकता है, जिसका जिम्मेवार विपक्ष पर बेधड़क हमलावर नजर आते हैं, साथ ही भेदभाव कलह भूल साझा मंच की पैरवी करते हैं। पलामू में लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया। हकीकत क्या है कि KN त्रिपाठी जी का जो घर जाने का रास्ता है, उसी रास्ते मेरा भी घर बन है और आप खुद जाकर के आज देख लीजिए कि एक घुटना पानी में पैर को डाल करके आप आइएगा जाइएगा। जब वो मंत्री थे और विधायक थे तो उन्होंने एक अपने घर के गांव के लिए उन्होंने एक सड़क नहीं बनवाया, तो वो जनता का और पलामू का क्या विकास करेंगे, इसकी तो दूर की बात है। डाल्टन विधानसभा क्षेत्र हम लोग बाहर से आते हैं या हम लोग के कोई रिश्तेदार आता है या कोई भी, तो देख कितना बुरा लगता है कि एक तो अच्छा सड़क तक नहीं है, आप न किसी कुछ ऐसा चीज़ नहीं है यहाँ पे जो आप, मैं अभी कह सकता हूँ कि जो अच्छा है। कि मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सब लोग एक सच्ची ईमानदारी से मिलकर एक अच्छे नेतृत्व को चुने और पलामू जिला को मैंने कम से कम इतना सुंदर बनाए कि इस मैंने झारखंड में के राज्य जो पिछड़ा है, मैंने इसको इतना आगे किया जाए कि लोग कहें कि इतने पिछड़े हुए पलामू को इतना सुंदर बनाया गया, जो हर एक दिल में वाह वाह लगे। बस मेरा यही एक निवेदन है और ऐसा ये तभी हो सकता है जब सारे लोग इस विकास के लिए, पलामू जिला के लिए सभी को ईमानदारी से लगना होगा, किसी भी कोई तरह के संकोच नहीं करना होगा। अगर दिल में ठाना है कि हमको काम करना है तो करना है सिर्फ पलामू जिला के लिए, कि ताकि हम लोग पलामू जिला को विकास करके दिखा सके कि लोग मिल करके भी, और इसमें मीडिया लोगों को भी सहयोग चाहिए कि ईमानदारी से सबको काम करके आगे बढ़े। आलोक का व्यक्तित्व, व्यवहार, व्यवसाय उनकी अलौकिकता बयां करती है। पलामू के परिप्रेक्ष्य में उनकी क्षमता नया आयाम गढ़ेगी और राजनीति की नई दिशा व दशा तय करेगी। कह सकते हैं युवा पलामू का भविष्य सुखद है।